गुड इवनिंग गाइस। तो शाम का वक्त है और निकल चुके हैं एक नए सफ़र पे, एक नई शाम, एक नया सफ़र आपके लिए। धोबी पहुंचने वाले हैं अब हम लोग। धोबी पार्क आपको दिखाते हैं नज़ारा क्या कुछ है। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं धोबी पार्क और यहां पे देखिए क्या कुछ सीन है यहां पर। और देखिए ये टिकट काउंटर है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आदिल भाई टिकट ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर टिकट काउंटर, यहाँ पर टिकट ले रहे हैं। तो फाइनली हम लोगों ने टिकट ले लिया है। ये देखिए टिकट है, ये देखिए एंट्री कराने के लिए टिकट, गाड़ी का पार्किंग लगता है। तो चलिए अब आते हैं अंदर, देखते हैं क्या कुछ है। आइए, ये देखिए यहाँ गेट है, गेट परिसर है, ये एंट्री है। यहाँ पे टिकट इधर है, ये देखिए टिकट चेक कर रहे हैं सर। ये देखिए क्या कुछ नज़ारा है, इसका एंट्रेंस है, देख सकते हैं इस तरीके का यहाँ पे सीन है। ये देखिए अब हम लोग ने एंट्री कर लिया अंदर, तो आइए देखते हैं क्या। गैस देखिए ये धोबी पार्क का अंदर का सीन है। ऐसा कुछ ख़ास तो नहीं है, लेकिन यहाँ को अगर घूमने के अतबार से देखा जाए तो कुछ ठीक लग रहा। ये देखिए छतरी जैसा बनाया गया, ये देख सकते हैं आप। ये सीधे ये इसी रास्ते हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ है आगे। सो गाइस देखिए यहाँ से आप देखिए ये सीन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपको दिखाया जाए। देखिए थोड़ा खूबसूरत सीन लग रहा है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ के ये रास्ता चला गया है, तो मुड़ कर देख लीजिए। और उसके बाद फिर उसको ये बैक करके यहाँ से आप देख सकते हैं किस टाइप का नज़ारा है। ये देखिए यहाँ से सीधे हम लोग बाहर गेट में निकल जाते हैं इस रास्ते से। अब यहाँ चलिए आगे चलते हैं, इधर देखते हैं क्या कुछ है। ये देखिए बहुत अच्छा सीन लग रहा है यहाँ पर का, जो ताजमहल टाइप का दिख रहा है। ये देखिए यहाँ से आ जाइए आप, ये सीन आप देख सकते हैं। देखिए सारे लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए ज़ूम करके दिखा देते हैं क्या कुछ सीन है यहाँ पर का। इसको थोड़ा सा नज़दीक कर लेते हैं क्लोज, उसके बाद आपको दिखाते हैं किस टाइप का सीन है ये। लुक ऐसा क्या कुछ ख़ास तो नहीं है, लेकिन यह है कि नॉर्मल है, आप देख सकते हैं किस टाइप का है। और यहाँ से एक रास्ता ये देखिए अंदर जाने के लिए बनाया गया है। ये फाइनली एक गोलंबर के पास हम लोग आ गए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ये देखिए गोलंबर टाइप का बनाया गया है, गोल ऐसा। यहाँ से आप देख सकते हैं इसको, हम थोड़ा पीछे हट के दिखा रहे हैं आपको। बहुत ही खूबसूरत सीन लग रहा है यहाँ पर का। ये सीन आपको देखना चाहिए, आप एक बार आएँ विज़िट करें, देखें, बहुत ही प्यारा सीन है यहाँ पर का। ये देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा वातावरण है। ये कि थोड़ा धूप है। देखिए गाइस ये किस टाइप का, यहाँ पे हिरन है एक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही देखने में। देखिए बहुत ही प्यारा सीन है। तो गाइस देखिए अभी हम दूसरे एंट्रेंस पे घुस रहे हैं। ये देखिए यहाँ पानी का टोटी लगा हुआ है, और इसके अंदर चलते हैं क्या कुछ है देखते हैं। और ये देखिए यहाँ बहुत सारा पेड़ पौधा लगाया गया है वातावरण को ठंडा रखने के लिए, प्राकृतिक के लिए। ये देखिए बहुत ही प्यारा सीन लग रहा है यहाँ पे। ये देखिए आप देख सकते हैं किस टाइप का सीन है ये, क्या कुछ सीन है यहाँ पे। ये देखिए हम आपको जूम करके पेड़ दिखा देते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा सीन है ये। ये देखिए हम आपको चारों तरफ का दृश्य दिखा रहे हैं। ये दूसरा रास्ता ये है अंदर का। देखिए यहाँ पर कोई कुछ है ख़ास नहीं है, ये है कि एरिया बहुत बड़ा है और पेड़ पौधों की हरियाली बहुत ज़्यादा। अब देखिए यहाँ से देखिए नया नया पार्क है, और देखिए वहाँ पे लगता है कि और भी बहुत सारे पेड़ हैं। सारे को कवर करने की कोशिश करेंगे इस ब्लॉग में, सारे चीज़ों को कवर किया जाए। गाइस हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे देखिए, शायद ये खजूर है या ताड़ है, इसकी पुष्टि आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। हम आपको ये सीन सिर्फ दिखा रहे हैं, इसकी पुष्टि आप ही कीजिएगा कि ताड़ है कि खजूर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर के एरिए में बहुत ही खूबसूरत सीन दिखाई दे रहा। ये आप देख सकते हैं किस टाइप का है। ये देखिए लास्ट वाला एरिया, जो लास्ट शोर पर कोने की तरफ इस टाइप का सीन है, आप देख सकते हैं। ये देखिए सीन तो काफ़ी बढ़िया है, देखने योग्य है। आपको आना चाहिए, विज़िट करना चाहिए, यहाँ पे घूमना चाहिए, अच्छा दृश्य है घूमने के लिहाज से। कि ये मछली के लिए, मछली पालन के लिए लगता है, ये तालाब छोटा सा बनाया, तालाब जैसा है। ये देखिए आपको जूम करके दिखा देते हैं। देखिए शायद पौधों का पानी इसमें आता है। ये देखिए यहाँ से ये
ड्रेनेज जैसा बनाया कि वहाँ से पानी नीचे आता है। आप देख सकते हैं इस टाइप का वातावरण है यहाँ पे। ये देखिए पीछे सुंदर सुंदर पेड़ भी दिख रहा दिखाई दे रहा। ये देखिए यहाँ पे कुछ फूल लगाया गया। ये देखिए तो गाइस देखिए यहाँ पे कर का सीन जो है थोड़ा अट्रैक्टिव है, बहुत ही प्यारा लग रहा। आप देख सकते हैं पहुँच चुके हैं यहाँ पे, बच्चों के झूला झूलने के लिए जगह बनाई गई है। आप देख सकते हैं इस टाइप का सीन है यहाँ पे। आप देखिए सब बच्चे झूला झूल रहे हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ ख़ास यहाँ पे दिखा नहीं हमको, बस बच्चों के लिए ही कुछ लगता है ख़ास बनाया गया है। ये हर तरह के हर साइज़ के बच्चे यहाँ पे झूला झूल सकते हैं। देखिए उनकी माएँ झूला झूला रही बच्चों को, और ऐसा कुछ ख़ास है नहीं यहाँ पर। आपको दिखाते हैं राइट साइड में क्या है। ये कुछ पेड़ पौधे लगाए गए हैं खूबसूरती के लिए। ये देखिए झूला जैसा है। ये देखिए अपना मनोरंजन करने के लिए कुछ लोग यहाँ पर मनोरंजन कर रहे हैं। ये देखिए ये आप देख सकते हैं इस टाइप का ये सीन है। ये देखिए तो गाइस देखिए ये पार्क में बच्चों को खेलने का कुछ ज़्यादा ही सामान है, और यहाँ पर खेल रहे हैं कुछ सुबह सुबह आप आकर एक्सरसाइज भी यहाँ पर कर सकते हैं। ये शुरू का थोड़ा अट्रैक्टिव सीन है यहाँ पर। ये देखिए आप देख सकते हैं। ये देखिए सो गाइस हम आ गए हैं पार्क के बाहर। आप देख सकते हैं बाहर का सीन, पार्क पूरा हम लोगों ने घूम लिया। पार्क की भी गाड़ी से देखिए गाड़ी वहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं। हम निकाल के सीधे हम लोग आगे निकलेंगे शेगाड़ी की तरफ। देखते हैं क्या कुछ सीन है वहाँ पर, वहाँ पर जैसा होगा आपको दिखाएंगे। पार्क से बाहर निकलने के लिए भी यहाँ पर स्लिप दिखाना पड़ता है, तब जाके यहाँ पर से गाड़ी रिलीज़ की जाती है। क्या कुछ सीन अगर इसके बाहर आते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ दुकानें हैं। दुकानों में देखिए कुछ खाने पीने का सामान मिलता है, आइसक्रीम वगैरह देख सकते हैं। कुछ तक यहाँ पर दुकान वुकान लगी हुई है। यहाँ पर देखिए कुछ थोड़ा मोड़ा सामान मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए बर्गर वगैरह मिल रहा है यहाँ पर। क्या कुछ सीन देख सकते हैं। उसके बाद फिर इधर आ जाते हैं, यहाँ से आप देखिए ये सीन आपका है। ये पीछे का बिल्कुल है, सामने फ्रंट का है। आप देखिए यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए बाहर का सीन है। तो फिर बाहर हम आएँगे ऐसे, तो देखिए मेन रोड है यहाँ पर हाईवे। हाईवे का नज़ारा आप देख सकते हैं, देख सकते हैं माहौल है। चलिए चलते हैं मेन रोड पर। यहाँ से हम लोग सीधे निकल रहे हैं शेरघाटी। Thank you.